आबादी हमारी है, आधी आबादी हमारी है, नारी शक्ति की उम्मीदवारी है। हर बदलाव में महिला ने पुरुषों को साथ दिया है, इस बार महिला की बारी। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। इतिहास बनते हैं और बनाया जाता है। 30 साल का जो इतिहास है अलीनगर विधानसभा का, किसी महिला ने आज तक विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता यूनिसेफ के तहत कार्य करती है, जिनका नाम है सुलेखा झा, उन्होंने फैसला किया कि वो अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और वहाँ महिलाओं का जो स्तर गिरा हुआ है वो उसे उठाएगी, रोजगार के जरिए, शिक्षा के जरिए और सामाजिक कार्यों के जरिए। उनका कहना है कि जो समाज सेवा उन्होंने किया है तकरीबन कई दो दशक से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का यूनिसेफ के तहत, वो चाहती है कि उनके पास एक पावर हो जिसके तहत वो समाज में जो क्रूरतियाँ हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार या दमन होता है, जो बेरोजगारी छाया हुआ उनके क्षेत्र में, सुरक्षा जो नहीं मिल पा रही है महिलाओं को, शिक्षा जो हासिल नहीं हो पा रहा है, एक तरह का कोई विश्वविद्यालय का कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसको भी लेकर के वो काफ़ी चिंता में दिखी। और उन्होंने हमें कहा, हम आपको एक बात भी बता दें कि उन्होंने वाकई में लॉकडाउन के समय और जो बाढ़ के समय यूनिसेफ के तहत जो वो सामाजिक कार्य करता है उसके तहत उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुलेखा झा जो प्रचार कर रही है, नियम कानून पूरी तरीके से मान करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम अपने कार्यकर्ताओं के घर पे जा रही है, वोटरों के घर पे जा रही है, रस्तों में रोक करके उनसे बात कर रही है, लेकिन किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं कर रही। हमने उनसे एक सवाल पूछा कि 30 साल के बाद अचानक ये फैसला क्यों किया आपने कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, क्या सिद्दीकी साहब के क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, या आप सोच रही हैं कि मैं उनसे अच्छा कर सकती हूं इसलिए लड़ रही हैं। आइए तो सुनते हैं सुलेखा झा ने क्या कहा। यह रिपोर्ट वारा फातिमा वारिसा जी। मैं सुलेखा झा और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जो विगत 20 साल से समाज के बीच अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग मुद्दों के साथ काम किए हैं। वो हमारे गाँव के लोग हों, या हमारे प्रखंड के आदमी हों, पंचायत के आदमी हों, या जिला हो, या राज्य के आदमी हूँ, और राज्य से बाहर भी अपने मुद्दों को रखने की काम किया है। और हमने देखा क्या, जो हम लगातार डिजास्टर पर ज़्यादा काम किए हैं, जो आपदा प्रबंधन से, उसके लिए हम अपने जिला के जिला अधिकारी जो हमारे कुमार रवि साहब थे उनको भी मैंने प्रशिक्षण दिया है एमएलए अकेडमी में आपदा प्रबंधन के लेकर के, और विद्यालय आपदा प्रबंधन के लेकर भी हमने यहाँ मॉडल तैयार किया है बिहार का, जो ने हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो अपने मुख्यधारा से उनको जोड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम था, और पंचायत प्रतिनिधि के साथ भी काम किए हैं, और एक अलग हटके जो महिला सशक्तिकरण पर है, ये महिला भी आए, वो अपने अधिकार को समझे, अपने कर्तव्य को जाने, इसके लिए भी हमने काम किए हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, गाँव का विकास का योजना कैसे बने, एक एक मुद्दा को, कुपोषण जैसे मुद्दा को हमने नीचे से उठाया है, जो हमने कुपोषण के कैसे दूर कर सकते हैं, स्वच्छता में हम कैसे स्वच्छ, हमारा देश या हमारा गांव, हमारा समाज कैसे स्वच्छ होगा, इसके लिए बहुत सारा हमने काम किया है समाज के साथ मिलके, पदाधिकारी के साथ मिलके, पंचायत प्रतिनिधि के मिलके और आम जनता के मिलके। इस बार हम इसलिए मतलब अपने विधानसभा में उम्मीदवारी रखें, जो मार्च महीना में जब कोरोना काल हुआ था तो हमने देखा कि कोरोना में जो भी हमारे लोग हैं, जो देश विदेश में, जहाँ भी कोई भी, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जो भी शहर में हो, उनको बिहारी का करके और उनको भगा दिया गया, और हमारे और महिलाएं, बच्चे, बूढ़, व्यस्त, सब परेशान, भूखे प्यासे पैदल वहाँ से शुरू कर दिए चलना। अपने ही देशवासियों को विदेशी भी कहा गया, प्रवासी भी कहा गया, और हमको ये चीज़ पूरा अंदर से झकझोर दिया, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा सोच एक समाज से जुड़ा हुआ है। और हमने निर्णय किया, जो मैं जो सुविधा का जो सिस्टम है और सरकार का जो रवैया है उस पर जरूर काम करने की ज़रूरत है, और हमारे जैसे महिला घर में बैठने से कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए हमको घर से बाहर आना पड़ा है पीड़ द्वारा। और मैंने यूनिसेफ प्रोजेक्ट में भी बहुत बहुत बड़ा काम किया है, ऑक्सफैम इंडिया के साथ काम किया है, द हंगर प्रोजेक्ट के साथ काम किया है, मैंने साक्षरता अभियान से मुहिम चला रही हूँ, और हमने देखा कि जो नहीं, हमको इसमें आना है, क्योंकि आधी आबादी हमारी है, आधी आबादी हमारी है, नारी शक्ति की उम्मीदवारी है, हर बदलाव में महिला ने पुरुषों को साथ दिया है, इस बार महिला की बारी।
शिक्षा के विषय में हम बोलेंगे, जो देखिए स्कूल है, कॉलेज है, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे जो प्रशिक्षक महोदय हैं, वो अपने आप को उतना मजबूत नहीं है जो हमारे बच्चे को उस तरह की शिक्षा दे सकेंगे, और सिस्टम भी बहुत ढीला है। तो दोनों, जब तक दोनों मजबूत नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर है, शिक्षक है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जब तक हम दिल से नहीं मिलेंगे किसी के साथ, तो हमारे बच्चे या हमारे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाला है। इसके लिए भी हमको काम करने की है। अगर हम अली नगर विधानसभा में अगर हम जीत कर आएंगे, तो सबसे पहले हम अपने रोजगार को मजबूत करेंगे, क्योंकि रोजगार से ही बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे महिलाएं मजबूत होगी, हमारे भाई मजबूत होंगे, हमारे चाचा मजबूत होंगे, तो सोचेंगे जो हम भी अपने बच्चे को सही शिक्षा दे, सही भोजन दे, सही व्यवस्था करें, ओढ़न पढ़न पर ध्यान देंगे, बच्चों को किस तरह से हम उसको सर्वांगीण विकास जो करेंगे, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। किसी जो है वो पूरा क्या कहते हैं बिचौलिया के पीछे में लिपट गया है, उसको हमको जो हमारे बिचौलिया है उसको थोड़ा साइड करेंगे, सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, और किसान के साथ देना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। ये मेरा नाम सुलेखा झा और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और विगत 20 साल से मैं समाज के बीच में रह के अलग अलग मुद्दे पर चिन्ह है सेब छाप। मैं 13 प्रत्याशी हूँ, सबसे नीचे में मेरा छाप है 13वां स्थान पर में, और मेरा छाप सेब छाप है। हमरा जहाँ तक पंचायता यो से लगे कोई अगर एते कैंडिडेट यहाँ सबसे नीक काम करता, एक नंबर हम सुलेखे झा एहन है व्यक्तिगत से घर घर जाकर जन्ना संस्था से लेकर सारे कुछ बिल्कुल काम करे के लिए पूरा तैयार रहे। चुनाव करते है अच्छा कार्य कर दे, जीतेगा तब ठीक है, काजे लिए नहीं करता है तो सब पब्लिक लिए कर, तो बढ़िया है इच्छा जीवछी देवी। इसमें हमें ये तो है जो कि हमारे बीच सुलेखा जी आ रही हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और करता रहूँगा ही, लेकिन हमारे बीच में जो भी है हम लोग चाहते हुए पर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जो ऐसा है जो कि हमें डार्क में रख कर ही काम करता है, जो कि जो टीचर को बोलिए जो कि स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, वो स्टूडेंट के ऊपर में भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अभी स्कूल में देखिए लैट्रिन बना हुआ है, तब पर भी स्कूल बच्चे जो है पेड़ पौधे के बीच में जाके अपना जो भी करता है वो होना कर रहे हैं, लेकिन जब उसके स्कूल के बीच स्कूल के पास तालाब है, उसे बच्चे डूब जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उससे टीचर को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो कि ये जब बच्चे को गार्जियन स्कूल में क्यों डालते हैं, जो कि वो एक माता पिता से हटके दूसरे माता पिता के बीच में जाते हैं, लेकिन ये माता पिता इम्पॉसिबल के रूप में वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हम इनके कुछ भी नहीं हैं। जो कि हमें इतना होना चाहिए जो कि हम अपने बच्चे को सुधार सकें, लेकिन ये ना हो। आपके कहने का मतलब है कि जो भी प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे शिक्षक उस तरीके से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए जो समय के साथ बच्चों को पढ़ा सके, वो उनको तो पढ़ाने का तो कोई बात ही नहीं है, जो कि उनको मिल जाना चाहिए कि खैनी खाने के लिए समय मिल जाना चाहिए, जो गप मारने के लिए वक्त मिलना चाहिए, यही इनका स्कूल ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार हमें वेतन देती है, वेतन देती है, और उस वेतन को उठाने के लिए तो सुलेखा जी से निवेदन पूर्वक ये भी कहना चाहूँगा जो कि वो हमारे बीच आए, इस सुविधा को सुधार करें, हमारे स्टूडेंट को तरक्की के रास्ते। कुमार झा, मेरे पिताजी का नाम श्री धीरेन्द्र नारायण झा है।